नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर श्री चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 भर्ती के संबंध में विभाग की तरफ से एक और यहाँ पर जो नोटिस है वो जारी हुआ है। सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर है। हालांकि अगर बात करें 31,277 के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें 67,867 के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सब टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, पिछले तमाम वीडियोस के माध्यम से सुबह से आपको जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, डबल बेंच के अंदर और भी हर जगह पर अभ्यर्थी की तरफ से 31,277 को रोकने के लिए तमाम याचिकाएं फाइल कर दी गई हैं। तमाम आइए आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब कल क्या होगा इसके बारे में आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर एक दो दिन मामला डिले हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मामला लटक भी सकता है। उसी क्रम में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अनुभाग 5 से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है 13 अक्टूबर 2020 आप सभी के सामने है, जो कि 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 पदों के बारे में जारी किया गया है। 16/10/2020 को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे, उसके बारे में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री सर की तरफ से 16/10/2020 को एक कालिदास मार्ग स्थित सभा कक्ष में 5 सफल अभ्यर्थी को अपने कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। समस्त 75 जनपद NIC के माध्यम से जुड़े रहेंगे, जहाँ पर प्रत्येक जनपद के 5 सफल अभ्यर्थी संबंधित जनपद के, अगर बात करें माननीय विभागीय मंत्री जी या फिर जो भी सांसद होंगे या विधायक होंगे, उन सभी को यहाँ पर जोड़ करके कुछ जनपदों के सफल अभ्यर्थी को संवाद भी किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस संबंध में अभ्यर्थी को चयन कर संपूर्ण तैयारी और साथ में जो भी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने का जो निर्देश है वो दिए गए हैं। उसी क्रम में अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। उपयुक्त स्थलों का निर्धारण जनपद के जिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यदि सफल अभ्यर्थी की संख्या अधिक है तो संबंधित जनपद के एक से अधिक उपयुक्त स्थल निर्धारण किया जा सकता है। नियुक्ति पत्र वितरण के समय आप सभी के सामने COVID-19 के दिशा निर्देश जो हैं उनका भी यहाँ पर पालन करने की जो बात है वो की गई है। तो ऐसे में एक बार मुख्यमंत्री सर की तरफ से 31,000 को जो निर्देश दिए गए थे और साथ में कहा गया था कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ऐसा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताइए, उससे पहले कल एक मामले लगे हुए हैं, उनमें से क्या क्या अपडेट निकल कर के आएगी ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने जा रहे हैं वो लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं, बाकी जो भी होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से एक और अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही, जो कि 67,867 सभी अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था मोहन सर का। ऐसे में मोहन सर आ गए थे लेकिन बेंच के अंदर नहीं बैठ रहे थे, इसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी दी थी। तो एक बार फिर से यहाँ पे मोहन सर की जो वापसी है वो हो चुकी है बेंच के अंदर। 15/10/2020 आप सभी के सामने हैं, फिलहाल चैम्बर में बैठ के सुनवाई कर रहे हैं। अब ऐसे में आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि आगामी समय के अंदर जल्द ललित सर के साथ में ही बैठेंगे और जल्द 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो भी आ जाएगा। इससे फ़ायदा 37,339 के साथ साथ 31,277 अभ्यर्थियों को भी होगा, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी लंबे समय से दोनों अभ्यर्थी परेशान हैं। अगर ऐसे में आपको पता है जो नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे, एक बार अगर आदेश आ जाएगा तो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अच्छी खबर आप सभी के सामने आ चुकी, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था मोहन सर का, वो दोस्तों वापस आ चुके हैं। अब 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर कभी भी आ सकता है, उम्मीद करते हैं कि जल्द यहाँ से कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर भी आ जाए जिससे कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ। बाकी कल की सुनवाई के अंदर भी आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल जाएगा। ये थी दोस्तों अभी अभी के लेटेस्ट अपडेट। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।